हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, 2000 में निर्मित सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड बायो एग्रो रसायन, कीटनाशक, उर्वरक, बीज, स्प्रेयर, पैकेजिंग, मशीनरी और FMCG उत्पादों आदि का निर्माण, व्यापार और निर्यात करता है। तो इसका कामकाज क्या है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मुख्य बिंदु व्यवसाय अवलोकन, कंपनी उर्वरक और कीटनाशक इकाई के माध्यम से फॉर्मुलेशन के निर्माण के व्यवसाय में है, जो जैविक कीटनाशकों, जैविक उर्वरकों आदि सहित कृषि रसायनों की एक विशेष और विशिष्ट श्रेणी का निर्माण करती है। उत्पाद प्रोफाइल, जैविक प्रमाणित कृषि रसायन, जैविक कीटनाशक, जैविक कवकनाशी, जैविक पौधे विकास प्रवर्तक, चिपकने वाले एजेंट पशु प्रतिकारक और कृषि रसायन में कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, खरपतवार नाशक, पौधे का विकास नियामक, उर्वरक में जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, मिट्टी कंडीशनर, पानी में घुलनशील उर्वरक और बीज में खेत की फसलों के बीज, सब्जियों के बीज, स्प्रेयर, बैटरी चालित स्प्रेयर, 2-in-1 स्प्रेयर, मैनुअल स्प्रेयर और FMCG के, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अगरबत्ती, बार्टन बार, डिटर्जेंट पाउडर, बर्तन क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, दाग हटाने वाला, फर्श क्लीनर आदि। और घरेलू में रैथसिक, सिकफोस 56, कॉक रोसिक आदि। तो इस तरीके का इसका कामकाज और ये सब सामान का व्यापार एवं प्रोडक्ट का निर्माण कंपनी करती है। अब चलते हैं इसके कुछ मुख्य डाटा पर जो कि इस प्रकार है। सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका कि मार्केट कैप 110 करोड़, करेंट प्राइस 65.40 रुपया, बुक वैल्यू 14.20 रुपया, बुक वैल्यू से लगभग 4 से 5 गुना पर ट्रेड कर रही है। स्टॉक पी 37.0, काफ़ी बेटर है। ROCE 16.3%, ROE 12.8%, ROCE और ROE ये दर्शा रहा है कि कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रही है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फेस वैल्यू 10 रुपया, रिटर्न 5 ईयर का अगर देखते हैं 42.2% और 3 साल का अगर देखते हैं 103%, ROE 3 ईयर 12.1% और ROE 5 ईयर का देखते हैं तो 13.2%। PEG रेशियो 1.89% है। इंटरप्राइजेज वैल्यू 118 करोड़। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 साल का चार्ट। तो जो कि हाई बनाया था 136.40 रुपया का और
लो 55 रुपया 25 पैसा, और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसी तरीके का चार्ट चल रहा है। ये हो सकता है कुछ दिन 70 और 60 के बीच में ट्रेड करें, यानी कि कंसोलिडेट करें मेरा आइडिया अनुसार। इस कंपनी में कौन से दो कंपनी हैज़ अ लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.1% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, मतलब कि लास्ट 3 सालों में इतना परसेंट का रिटर्न दिया है इक्विटी पर, और कंपनी हैज हाई डेब्टर्स ऑफ 180 डेज, और डेब्टर डेज जो है 180 दिन का है। बस यही दो है कॉन्स। पीयर कंपैरिजन अगर देखते हैं तो इस तरीके का इसका मतलब कि 22 कंपनी है पीयर कंपैरिजन में, सिक्को इंडस्ट्रीज के पीयर कंपैरिजन में। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 का अगर देखते हैं तो सेल्स 14.59 करोड़ का है, जो कि काफ़ी हाई भी नहीं बोलेंगे और लो भी नहीं बोलेंगे, हाई से थोड़ा सा नीचे है। और एक्सपेंस 13.68 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 91 लाख का हुआ, अदर इनकम 2 लाख का, इंटरेस्ट 16 लाख का किया पेड, डिप्रिसिएशन 11 लाख का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 66 लाख का, और टैक्स पेड करने के बाद में जो कि 25.76% का टैक्स पेड किया, उसके बाद में बच गया इसके पास 48 लाख का जो कि नेट प्रॉफिट हुआ, और ईपीएस 29 पैसा। तो जैसा कि इसका शेयर प्राइस हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो ये अर्निंग तो नहीं कर रही है मेरे आइडिया अनुसार। प्रॉफिट लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 46.84 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस 41.88 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.96 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.59% का है, अदर इनकम 24 लाख, इंटरेस्ट 55 लाख का, डिप्रिसिएशन 52 लाख का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.13%, और नेट प्रॉफिट टैक्स पेड करने के बाद में 2.97 करोड़, यानी कि 2.97 करोड़, और ईपीएस 1.78 रुपया। बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास में रिजर्व जो है 7.01 करोड़ का है, शेयर कैपिटल 16.80 करोड़ का, और ब्रोइंग है 8.61 करोड़ का। रिजर्व इसके पास में कम है, ब्रोइंग से ज़्यादा है, एसेट है 40.73 करोड़ का अदर एसेट, और टोटल एसेट है 45.49 करोड़ का, फिक्स्ड एसेट भी है 4.76 करोड़ का। तो ये अभी इस डाटा को देखने से कर्ज में है कंपनी, लेकिन नाम मात्र का कर्ज है इसके पास। इसलिए ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री भी कंपनी बोला जा सकता है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इसमें। कैश फ्लो प्लस में 28 लाख का, ये चीज अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस स्क्रीनर के वेबसाइट पे आज के दिन में कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्वार्टरली में, और ईयरली देखते हैं तो ईयरली बेसिस पर भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके का हो तो थोड़ा सा
कंपनी पे डाउट आता है। और इसमें 13 अक्टूबर 2023 का अपडेट है जो कि इसको अवार्ड दिया गया है, अवार्ड विथ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंबल सिक्को, अक्टूबर 13, 2023 अवार्ड किस चीज का है? एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राइड ऑफ भारत अवार्ड दिया गया है जो कि 16 सितंबर 2023 को ये डेट था। और कहाँ पर था? पार्क रेजिज गोवा इंडिया में। ये सेबी को, यानी कि सेबी को रिकॉर्ड में लेने के लिए अनुग्रह किया है, आग्रह किया है। और ये रहा सर्टिफिकेट। तो जब किसी भी क्षेत्र में कंपनी को अगर अवार्ड मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। एनएससी के वेबसाइट पर सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस जो सो रहा है 64.75 रुपया पे, मतलब कि बढ़ा था 4.10% के हिसाब से। इस पर जब नीचे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखना चाहते हैं तो इस पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख नहीं रहा है। अब क्या कारण है वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस कंपनी को जब इतने रुपए पर ट्रेड कर रही है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखना चाहिए था, जबकि इसका वॉल्यूम ट्रेड हो रही है 3,77,741 शेयर। इसका डेट देखेंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाइए, देख लीजिए 13 अक्टूबर 2023 का है, क्वांटिटी ट्रेडेड 3,77,741, डिलीवरी में उठाया गया 1,43,575, 38.01% का डिलीवरी है। तो लो परसेंटेज डिलीवरी है, बाकी इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ से ही, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।